हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार की राजनीति पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। डिप्टी सीएम के पद पर सुशील मोदी बने रहेंगे या फिर नहीं, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार। नीतीश के बाद राजनाथ सिंह ने भी वही गोलमोल जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ देर में फैसला होगा। राजनाथ सिंह और सुशील मोदी राजभवन पहुंचे। राजनाथ सिंह से जब ये पूछा गया कि डिप्टी सीएम कौन होगा, तो देखिए राजनाथ सिंह ने भी नीतीश कुमार की तरह ही गोलमोल जवाब दिया। जवाब आया कि थोड़ी देर में सब कुछ पता चल जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर बिहार में कौन बनेगा उप मुख्यमंत्री, कौन बनेगा डिप्टी सीएम। मैं सिर्फ इतना पूछूंगी बिहार के डिप्टी सीएम का, मैं तो लगा दू सर। जस्ट वन लाइन सर। रोल मेरे साथ इस वक्त राजनाथ सिंह है खास बातचीत करने के लिए। सर सर क्या कुछ फैसला हुआ? एक साथ मैं दे दूंगा, अलग अलग नहीं दे पाऊंगा। मैं फैसला हुआ कि एनडीए विधायक दल के नेता नीतीश कुमार जी निर्वाचित हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता श्री तारकिशोर जी और उपनेता श्रीमती रेणु देवी निर्वाचित हुई हैं और नीतीश जी के साथ सारे सभी लोग महामहिम राज्यपाल महोदय से आज मिले हैं और उसके बाद महामहिम राज्यपाल शपथ ग्रहण के लिए उन्हें आमंत्रित करेंगे। डिप्टी सीएम कौन हो? डिप्टी सीएम का फैसला तो ये सब बैठकर करेंगे लोग। सस्पेंस अभी तक लगातार सस्पेंस आप क्लियर? उचित समय पर आपको जानकारी हो जाएगी। क्या चेहरा बदला जाएगा बिहार के डिप्टी सीएम? तो देखिए इस वक्त राजनाथ सिंह ने बहुत बड़ी बात कही है कि दल का नेता जो है वो नीतीश कुमार को चुन लिया गया है, लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर के अभी भी पत्ते नहीं खुले हैं। नाम का साफ साफ जिक्र नहीं किया राजनाथ सिंह ने। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम का नाम का पता तब चलेगा जब सही समय आएगा। तो अभी तक सस्पेंस बरकरार। और यहाँ पर तस्वीरें देखिए, राजनाथ सिंह अपनी गाड़ी से निकलते हुए साथ में सुशील मोदी भी हैं, जिनके चेहरे पर अभी भी सवाल है। सवाल इस बात का कि क्या वो एक बार फिर डिप्टी सीएम के पद पर बैठेंगे या चेहरे